उदयपुर के फाइव स्टार होटल लीला पैलेस में कार्य करने वाली महिला ने 30 मार्च को गोवर्धन विलास इलाके में स्थित एआर कॉम्प्लेक्स के 8वीं माले से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। रविवार को मृतक महिला के परिजन उदयपुर पहुंचे, जिसके बाद गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की। हालांकि इस दौरान मृतक महिला के परिजनों ने मीडिया कर्मियों से दूरी बनाकर रखी, साथ ही अपनी बेटी की ओर से उठाए गए इस कदम को लेकर किसी भी तरह का कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। तो वहीं मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने बताया कि घटना 30 मार्च की है। महिला उदयपुर शहर की फाइव स्टार होटल लीला पैलेस में कार्य करती थी। कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। आपको बता दें कि 30 मार्च को उड़ीसा निवासी महिला ने गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के एआर कॉम्प्लेक्स के 8वें माले से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। उस दिन उस फ्लैट में उसके साथ 4 से 5 अन्य साथी भी मौजूद थे। आखिर उदयपुर शहर की फाइव स्टार होटल में कार्य करने वाली महिला ने इतना घिनौना कदम क्यों उठाया, यह तो पुलिस जांच में ही साफ हो पाएगा। इस मामले को लेकर जब लीला पैलेस के होटल मैनेजर से बात की गई तो उन्होंने किसी भी तरह के प्रेम प्रसंग का मामला होने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने मृतका के परिवार को होटल मैनेजमेंट की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। दिनांक 23 को सुबह करीब 8-9 बजे सूचना मिली थाने पे कि मतलब एआर कॉम्प्लेक्स आई ब्लॉक सेक्टर नंबर 14 छत से कोई लड़की गिर गई है। इस पर वहाँ मौके पहुँचे, लड़की की लाश को यहाँ मुर्दाघर में रखवाया, पता किया तो लड़की नम्रता यहाँ पे लीला पैलेस में काम करती थी और कोई सहेलियों के वहाँ गई हुई थी वहाँ पे। आज उसके परिजन आ गए हैं, उनका पीएम करवा रहे हैं और जैसी भी होगी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या क्या मामला था, क्या कारण थे आत्महत्या का? परिजनों की ओर से क्या लिखी थी? नहीं, परिजनों की ओर से परिजनों को तो सूचना मिली, अब पुलिस जांच कर रही है कैसे हुआ क्या हुआ, वहाँ कॉम्प्लेक्स में पता करेंगे किसके साथ में थे क्या थे। अभी तक तो अभी पीएम करवा रहे हैं, अब जैसा भी पीएम से पीएम होने के बाद में आगे की कार्रवाई होगी, कैसे गई, कौन दोस्त थे, किसके साथ गई, ये सब जांच की बातें हैं जो अब। सर, कहीं प्रेम प्रसंग का मामला भी सामने आया है क्या? नहीं, ऐसा तो हमारे तो कोई नोटिस में नहीं आया है, खाली सूचना थी और लाश को लेके आए। अब परिवार वाले आ जाए हैं तो वो पीएम करवा दें, उसके बाद में आगे की कार्रवाई होगी। सर, उस समय जब इसने आत्महत्या की उस समय कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे? नहीं तो वहाँ तो अब ये बता रहे हैं कि 3-4 थे, इनके कोई सहेलियाँ दोस्त न थे। अब आत्महत्या की वो देखने वाले तो वो कह रहे हैं कि साहब देखा नहीं है, वो कैसे कहाँ गिरी कब गिरा, वो भी अब जांच का विषय है, जांच करनी बाकी है। सर, आप वहाँ मौके पे पहुँचे तो क्या रात को क्या पार्टी वगैरह भी की गई थी क्या वहाँ पे? नहीं, ऐसा हमें कुछ नहीं मिला मौके पर। हम गए तब तो इसको यहाँ लेके आ गए थे, नहीं वो तो गिरी और यहाँ 108 से यहाँ हॉस्पिटल ले आए। होटल के कर्मचारियों से क्या किसी से पूछताछ की गई क्या इस मामले में? नहीं, मौके पे वो चौकीदार मिला था और जो इनके पड़ोसी थे तो उन्होंने ऐसा कोई खुलासा बात बताई नहीं कि साहब ऐसे थी और न जाने सुबह 6 बजे निकली और कैसे गिरी पता नहीं है। होटल लीला में ये काम करती थी, होटल लीला के क्या अधिकारियों और कर्मचारियों से बात की गई थी? नहीं, अभी तक कोई जांच नहीं हुई। अभी तो इनके परिवार वाला आए हैं, उसकी माता पिता आए हैं, वरिष्ठ आए हैं, एक बार उसको पहचान किया। ये हमारे होटल में एफएमबी सर्विस स्टाफ में थी, उनकी छुट्टी थी, छुट्टी के दिन अपने रूम पे थी। नॉर्मली हमें पता चला, हम गए नॉर्मली, पर हम फैमिली की और हमारी तरफ से जो सहयोग होगा वो जरूर करेंगे, पुलिस उसकी जांच कर रही। सर, आपको तो अभी तक किसी ने अंदेशा है क्या? कोई अंदेशा नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा कुछ है नॉर्मली जो कुछ हुआ है जो है पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी और हम उसका सहयोग करेंगे। कितने महीनों से आपके काम? वो दिसंबर से हमारे साथ काम कर रही थी। किसी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था।